सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सेसरी के बारे में जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं एज अ फोटोग्राफर या इवन एज अ वीडियो क्रिएटर, और वो है ट्राईपॉड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तीन तरह के ट्राईपॉड्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने आज से जब शुरू करा था 9-10 साल पहले, तब मैंने जो ट्राईपॉड यूज़ करना शुरू करा था वो था ये वाला। उसके बाद ये वाला ट्राईपॉड अपग्रेड हुआ फॉर फोटोग्राफी, एंड देन यहाँ पे एक ट्राईपॉड है जो मैं आजकल वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ अपने व्यूज़ और कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगा जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक ट्राईपॉड प्लान करते हो, चाहे वो फोटोग्राफी के लिए हो या वीडियो कंटेंट क्रिएशन या इवन एज ए यूट्यूबर। सो स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले मैं बात करूँगा अबाउट दिस ट्राईपॉड। अब ये एक ऐसा ट्राईपॉड है जो अगर आप जस्ट फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो या अगर आप घर पे नॉर्मल वीडियोस बनाते हो एक लाइट सेटअप के साथ, लाइक ये M50 है विद किट लेंस, इसके लिए ये ट्राईपॉड बहुत सूटेबल है अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। और ये इस तरह के ट्राईपॉड्स हार्डली 800-1500 के बीच में आपको ईजिली मिल जाते हैं। अब ये एक ब्रांड का है जो है आई थिंक सोनिया, सिम्पेक्स, सोनिया, इवन अमेजोन प्राइम, ऑलमोस्ट सेम, बस ब्रांड चेंज होता है, प्रोडक्ट सेम ही होता है। अब ये ट्राईपॉड अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के टर्म्स में बात करूँ, इट्स एवरेज, नॉट दैट ग्रेट, बट जो आप प्राइस पे कर रहे हो, अगर आपका बजट अप टू 2000 है, मतलब इस तरह के ट्राईपॉड्स बेस्ट रहते हैं। और अगर मैं सबसे बड़ा डिफरेंस जो जहाँ पे ट्राईपॉड में आता है उसकी बात करूँ, वो होता है कि आपका जो हेड सिस्टम है वो किस तरह का है। तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, दो मेरे पीछे पड़ा है, थर्ड ये वाला है। स्टार्टिंग में दिस वन, ये होता है पैन टिल्ट एंड रोल एक्सेस। अब इसमें सबसे पहला जो यहाँ पे आप एक्सेस देख रहे हो, इसको अगर मैं जस्ट रोटेट करके यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ, और ये आपका टिल्ट एक्सेस जो है वो उसको अनलॉक कर देता है। तो अगर मुझे अप या डाउन टिल्ट करना है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जब मेरा फिक्स हो गया एंगल, मैं इसको यहाँ से रोटेट करके टाइट कर सकता हूँ। सेकेंड मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक नॉब होता है, इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ से अब मैं अपना जो हेड है उसको पैन कर सकता हूँ। थर्ड एक्सेस होता है, ये मोस्टली इस तरह के ट्राईपॉड्स में होता ही है, यहाँ पे एक नॉब होता है, इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से मेरा कैमरा अब रोटेट हो सकता है। और अगर मैं इसको लैंडस्केप मोड में शूट करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर इसको एडजस्ट करके इस नॉब को टाइट कर सकता हूँ, एंड आई एम रेडी टू शूट फोटोज़ या वीडियोस। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ऑब्वियसली ये है कि बहुत बजट फ्रेंडली है, बट एक ड्रॉबैक जो ओवर द टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि इसका ड्यूरेबिलिटी इतना नहीं है, बहुत ईजिली क्रैक्स आ जाते हैं, बिकॉज ये जो भी सारा पैन, रोटेशन, रोल, ये जो भी पूरा बाहर का पार्ट है वो सब प्लास्टिक में है, तो ईजिली टूट जाता है, एक दो ड्रॉप्स में टूट जाएगा ट्राईपॉड। एंड अगर आप बहुत रफ सर्फेसिस में ज़्यादा शूट करते हो या आप थोड़ा विंडी ज़्यादा एरिया है जहाँ पे आप शूट कर रहे हो, वहाँ पे आप इस पे रिलाय नहीं कर सकते, बिकॉज आपका अगर कैमरा, लेट्स सपोज 50,000 का कैमरा है और आप जस्ट इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो प्राइस में कि आप 1000 रुपये का ट्राईपॉड ले रहे हो, उस चक्कर में आपका कैमरा या लेंस डैमेज हो सकता है। एंड लास्टली इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पे आपको ये दिखेंगे दो सेक्शंस हैं जिसको मैं यहाँ से अनलॉक करके लेग्स को एक्सटेंड कर सकता हूँ, एंड टोटल हाइट जो इसका है, इट गोज टिल लाइक 5.5 फीट के आसपास, तो मेरे आई लेवल के हिसाब से थोड़ा सा लो हो जाता है, बट एवरेज हाइट अगर 5.5 to 6 feet है तो उस यूज़ के लिए ये एकदम परफेक्ट रह सकता है। तो इसको अभी रख देते हैं यहाँ पे, और अब मैं बात करता हूँ दूसरे ट्राईपॉड की, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि इसका जो हेड सिस्टम है वो कौन सा है। अब इस तरह के जो ट्राईपॉड्स होते हैं, इनके मोस्टली बॉल हेड सिस्टम होता है। अब बॉल हेड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे एक नॉब होता है, इसको अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ, अब यहाँ से मैं अपने कैमरा को एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी भी एंगल में एक पर्टिकुलर एंगल सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे टाइट कर सकता हूँ, और अब मेरा कैमरा उस पर्टिकुलर एंगल में फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करना चाह रहा हूँ, लैंडस्केप में मैं इजीली यहाँ पे रख के इसको टाइट कर सकता हूँ, एंड अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, आई कैन एडजस्ट इट एट एनी एंगल, और मैं यहाँ से टाइट कर सकता हूँ। सो रोल एक्सेस काफ़ी यूज़ आता है अगर आप फोटोग्राफी में, जब ओवर द टाइम आप ज़्यादा शूट करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि इस तरह के ट्राईपॉड्स में जो मैं पहले दिखा रहा था, एक रिस्ट्रिक्शन होता है एंगल का, बट रोल एक्सेस में आप कोई भी एंगल सेलेक्ट करके, ये नॉब लूज करके, उसको कैमरा को सेट करके, टाइट करके यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। एक लिमिटेशन जो मुझे लगती है रोल एक्सेस में, वो है कई बार एंगल अगर आपको एकदम एग्जैक्ट चाहिए, और कई ट्राईपॉड्स डिपेंडिंग आप किस
ब्रांड के साथ जा रहे हो, ये मैन फोटो का है सो इस पे मैं इजीली रिलाई कर सकता हूँ कि इसका जितना पेलोड है उतना मैं कैमरा और लेंस अगर ले रहा हूँ तो मेरा कैमरा कहीं नहीं जाने वाला। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ चीपर ऑल्टरनेटिव तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रोल एक्सेस है बहुत जल्दी लूज होना स्टार्ट हो जाता है। बट इफ़ यू आर गोइंग विद अ रिलायबल ब्रांड तब वो इशू नहीं आएगा। तो ये जो दो टाइप के ट्राईपॉड्स हैं ये मोस्टली आप फोटोग्राफी पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे और मैंने भी उन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ करा है और मैं करता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ ट्राईपॉड है ये वाला, दिस इज़ ऑल्सो मैनफ्रोटो। अब ये जो सिस्टम है, पहले हम हेड की बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो आप वीडियो ट्राईपॉड्स देखोगे, अगर आप कभी किसी वीडियो शूटिंग सेट्स में जाते हो या इवन जैसे मैं YouTube वीडियोस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इस हेड को बोलते हैं फ्लूइड ड्रैग सिस्टम या फ्लूइड हेड। अब फ्लूइड हेड वीडियोस के लिए क्यों यूज़फुल रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉब है, अगर मैं इसको लूज़ कर दूंगा एंड उसके बाद मेरा जो ये मूवमेंट है हेड का ये एकदम स्मूथ होता है। आप देखोगे अगर मैं यहाँ ला के छोड़ रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फ्लूइड सिस्टम ऐसा बना होता है कि इसका जो मूवमेंट है वो कंसिस्टेंट होता है, बहुत स्मूथ होता है। ये जो आप देख रहे हो ये टिल्ट एक्सेस है, यहाँ से मैं अगर पैन एक्सेस अनलॉक कर देता हूँ तो मैं इजीली इसका पैन एक्सेस मूव कर सकता हूँ एंड दिस इज़ वे मोर स्मूदर एज़ कम्पेयर टू टिल्ट पैन जो हेड होता है या बॉल हेड। देन अगर मैं इसके लेग्स की बात करूँ, नॉर्मली जो फ्लूइड हेड ट्राईपॉड्स होते हैं, वीडियो ट्राईपॉड्स होते हैं, उनका जो लेग्स होता है या ओवरऑल वेट भी है वो काफ़ी हैवी होता है, बिकॉज इनका पर्पस ये नहीं है कि ये कॉम्पैक्ट हो, इनका पर्पस होता है कि आपके जो हैवी कैमरा सेटअप्स होते हैं विद हैवी लेंसेज उसको ये इजीली होल्ड कर सके। तो हाँ थोड़ा हैवी होगा, बट जो इसके इवन फुटरेस्ट हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे दीज आर वेरी लार्ज एंड ये एक पर्टिकुलर मैन फोटो का मॉडल है। अगर आप थोड़े अच्छे बजट में देख रहे हो, मैन फोटो इज़ ऑब्वियसली वन ब्रांड टू गो फॉर इन टर्म्स ऑफ ट्राईपॉड्स। तो ये तो थे तीन तरह के ट्राईपॉड हेड्स जो बहुत कॉमन होते हैं और मेजरली इस कैटेगरी में ही आपको अलग अलग ट्राईपॉड्स मिलेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप कंसिडर कर सकते हो जब आप एक ट्राईपॉड प्लान करते हो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं प्रेफर करता हूँ या जब मैं स्पेसिफिकेशन में देखता हूँ वो होता है कि इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है। पेलोड का मतलब है कि ये जब आप ट्राईपॉड पे आप कितना वेट उस ट्राईपॉड के ऊपर रख सकते हो जो वो ईजिली उस कैमरा और लेंस के कॉम्बिनेशन को संभाल सकता है। एंड मोस्टली इट रेंजेस बिटवीन 5 kg से लेके 15 kg के बीच में। अब जहाँ मेजर डिफरेंस आता है वो आता है बिल्ट क्वालिटी में। जितना अच्छा बिल्ट क्वालिटी होगा और मटेरियल यूज होगा उतना ज़्यादा पेलोड एक ट्राईपॉड ले पाता है। इन टर्म्स ऑफ दिस मैन फोटो GT ये वाला कार्बन फाइबर ट्राईपॉड है, तो अगर आप कार्बन फाइबर यूज़ कर रहे हो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ये लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ट्राईपॉड। एंड सेकेंड बेनिफिट इज़ इनका जो पेलोड होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम ट्राईपॉड से, बट इनका जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होता है। अभी आपके बजट पे टोटली डिपेंड करेगा, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कार्बन फाइबर कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आप बजट में थोड़ा सा कम रखना चाह रहे हो आप एल्यूमिनियम ट्राईपॉड देख सकते हो। उनका भी अच्छा खासा पेलोड होता है, ऐसा नहीं है, मैं ये यूज़ करता हूँ वीडियो के लिए एंड इट इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ पेलोड। सेकेंड एंड लास्ट डिफरेंस इज़ की टाइप ऑफ लॉकिंग सिस्टम। अब जैसे आप ये वाला ट्राईपॉड देखोगे इसमें जो लॉकिंग सिस्टम है ये रिंग लॉक सिस्टम है, मतलब मैं इसको बहुत जल्दी से इसको अनलॉक करके एक्सटेंड करके एंड देन आई कैन लॉक इट एट अ पॉइंट और ये लॉक हो जाएगा। दूसरे टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे आपके पास इस तरह का लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसको आप अनलॉक करोगे किसी एक पोजिशन पे, लेग को एडजस्ट करोगे एंड यहाँ से आप इसको पुश करके लॉक कर दोगे। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है, मैंने दोनों टाइप्स यूज़ करे हैं और अगर मुझे दोनों में से एक प्रेफर करना होगा आई वुड गो विद दिस रिंग टाइप लॉकिंग सिस्टम। अगर मैं एज अ फोटोग्राफर देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वीडियो ट्राईपॉड आई वुड रिलाई ऑन दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म जहाँ पे मैं इसको अनलॉक करके एक्सटेंड करके एंड देन लॉक कर सकता हूँ। सो डू कमेंट एंड लेट मी नो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और इन फ्यूचर अगर आपके कुछ वीडियो आइडिया सजेशन है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई वुड लव टू पिक अ टॉपिक फ्रॉम योर कमेंट्स। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्यू लिंक्स ऑफ ट्राईपॉड्स जो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से सही होंगे। सो दैट्स इट, हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।